नमस्कार, आप सबों को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज लेटेस्ट करंट अफेयर्स 26 मई 2023 लेकर आपके बीच मैं अपने YouTube चैनल पर लेकर आया हूं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न, हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टाटा। और नेक्स्ट, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस एंड नेस्कॉम के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर है ओडिशा सरकार। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो आयरलैंड। और नेक्स्ट है कि IDBI बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है जय कुमार एस पिल्लई। और हाल ही में कुरुमुटु टी कन्नड़ का निधन हुआ, वह कौन थे? तो एक प्रमुख समाजसेवी थे जिनका निधन हुआ। और नेक्स्ट है कि किस शहर में नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट फेयर आयोजित किया गया है हाल ही में? तो हाल ही में नोएडा शहर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा रहा है, तो किस राज्य में है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व? तो महाराष्ट्र राज्य में। और हाल ही में किसने टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। और नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? किस देश ने? तुर्की। और नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो सही उत्तर है किस राज्य में? तो केरल राज्य में। हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत है? आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, मानकीकृत। हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म लागू होगी? तो महाराष्ट्र राज्य। तो अब है कि नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश HIV की रोकथाम के में प्रयोग की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग केबोटिक ग्रीवर दवा के जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा? तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। चलिए तो इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल YouTube चैनल पर अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आपके बीच। जय हिंद, नमस्कार।